अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पांडे और आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर। जानेंगे टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कारण क्या होते हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें टाइफॉइड फीवर पे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए। टाइफॉइड फीवर या जिसे हम एंट्रिक फीवर या आंतों का बुखार भी कहते हैं, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के बाद होता है। एंट्रिक फीवर में हम टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर दोनों के ही संक्रमण के बारे में बात करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अगर अपने मल त्यागने या पेशाब करने के बाद हाथ नहीं धोता है और उससे खाने को छू लेता है और उसे दूसरा व्यक्ति खा लेता है, तो इस तरह से टाइफॉइड फीवर का संक्रमण हो सकता है। साफ सुथरा खाना नहीं खाना या साफ सुथरा पानी नहीं पीने से भी टाइफॉइड का संक्रमण हो सकता है। एनल सेक्स या एनल इंटरकोर्स के बाद भी टाइफॉइड फीवर या आंतों के बुखार का संक्रमण देखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति अगर अपना मल नदी नाले में त्याग देता है तो इससे भी पानी दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से भी टाइफॉइड का संक्रमण आपको पानी के सेवन के बाद देखा जा सकता है। टाइफॉइड फीवर या आंतों के बुखार के लक्षण 1 से 2 सप्ताह तक दिख सकते हैं और इस बीमारी की अवधि 3 से 4 हफ्ते तक रह सकती है। चलिए जान लेते हैं इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। इसमें प्रमुख लक्षण पेट में दर्द का होना, सर दर्द, उल्टी, मतली, तेज़ बुखार जो कि 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह सकता है। बुखार स्टेप लैडर पैटर्न में होता है, यानी जैसे आप सीढ़ी एक एक पायदान चढ़ते हैं उसी तरह से हर दिन आपका बुखार भी बढ़ेगा और जब इस बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा तो वो बुखार भी धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। इसमें मरीज को दस्त हो सकते हैं, दस्त हरे रंग के भी हो सकते हैं जिसे हम पी सूप कलर्ड स्टूल्स बोलते हैं। शरीर पे पूरी जगह चकत्ते चकत्ते खास तौर पे छाती पे दिख सकते हैं। छाती में दर्द या कफ का होना, ऐसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। लंबे समय तक आंतों के बुखार रहने की वजह से आंतों में छेद हो सकता है और पूरे शरीर में इन्फेक्शन भी फैल सकता है। चूँकि तरल पदार्थ दस्त के जरिए बहुत ज़्यादा निकल जाता है जिससे इंसान को कमजोरी, थकान या सुस्ती भी देखी जा सकती है। इसमें लीवर या स्प्लीन ऑर्गन अंगों का साइज भी बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टर खुद आपको देख के जांच करने के बाद पता करेंगे, नहीं तो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के जरिए पता कराएंगे। आशा करता हूँ टाइफॉइड फीवर या आंतों के बुखार पे दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस संदर्भ में आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें। माई उपचार के साथ इसी तरह से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।